अस्सलाम वालेकुम सबको, क्या कर रहा। अस्सलाम सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? पहचाना आप लोगों ने? मुझे तो नहीं पहचाना था, ये हमारे शाह सिद्दीकी सर फ्रॉम जर्मनी। क्या हाल चाल है आप लोगों? आज ये हमारे पास आए हैं फैसलाबाद में, हम बैठे हैं ये काफ़ी कैफे में, यहाँ पे हम काफ़ी पियेंगे और फिर बाहर निकलेंगे घूमने फिरेंगे। और शुक्रिया सर का बहुत बहुत, इतनी दूर से हमारे पास आए हैं, बहुत ज़्यादा खुशी की बात है मेरे लिए। तो बहुत मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है सर को देख के, क्योंकि मैंने भी पहली बार ही आपके पास देखा है इनको, वीडियोज़ में तो देखते रहते हैं इनको, आज लाइव में मैंने पहली बार देखा सर को। तो पर्सनैलिटी माशाल्लाह आपको पता ही है, रिसेंट है पहली। तो बाकी अब सर से पूछते हैं कैसा लगा पाकिस्तान में आके, गर्मी का क्या हाल था? गर्मी तो ज़बरदस्त है जी, गर्मी तो नशा कर दिया, बाकी ज़बरदस्त। और ये हैं राशिद अलवी, पहले इनका चैनल था हाँ राशिद अलवी टीवी, जो कि किसी वजह से वो बंद हो गया था। मेरे ख़ास तौर पे जो मेरे ग्रुप के हैं, जितनी भी सिस्टर्स हैं, वो पहले सुनती होंगी राशिद भाई ने ज़ुबान से, या कि इनका चैनल जो है उसका नाम है जोक्स एंड पोएट्री। तो ग्रुप में थे, ये एडमन थे, अभी भी एडमन हैं, लेकिन बीमारी की वजह से जो हैं वो ग्रुप में अटेंड, फिलहाल ग्रुप को अटेंड नहीं कर पाते। तो मैं इसी सिलसिले में आया इनके पास कि चलें, एक तो गपशप हो जाएगी, दूसरा कुछ ग्रुप के हवाले से भी बात होगी। माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस है इनका, और पहले भी एक हमारा ग्रुप था 3-4 लोगों का, फनी टीवी, तकवीन टीवी, राशिद अलवी और मैं था बीच में। तो बहरहाल वो ग्रुप तो चल रहा है अभी तकवीन भाई के पास, तकवीन भाई उसको चला रहे हैं उस चैनल को भी जी। और राशिद भाई आप कैसे हैं, तो आपकी तबीयत कैसी है? जबरदस्त, शुक्र है अल्लाह का, आपको देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। बहुत शुक्रिया, दिल्ली खुश नहीं हुई है कि एक बंदा आया इतनी दूर से, आया जर्मनी से, आए जी हमारे पास ही स्पेशल मिलने के लिए आए फैसलाबाद। तो बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है उनकी, और यहाँ पर हम चाय पियेंगे फिर बाहर निकलेंगे घूमने फिरेंगे। राशिद भाई ये कैसे हो सकता है कि मैं पाकिस्तान आऊँ और मैं आपसे ना मिलूँ आके? हाँ एक चीज़ है कि मैं तकवीन भाई से नहीं मिल सकता, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मेरा हशर हो गया हुआ है, तो यकीन जाने ट्रैवलिंग करने को, बेशक एसी वाली गाड़ी है जो भी है, लेकिन मेरे लिए तो एसी भी कुछ काम नहीं कर रहा। सही बात है, क्योंकि वहाँ पे मैं बताऊँगा आपको कि गर्मी में इस तरह का मौसम तो आता ही नहीं साल में, नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता, कभी भी इतनी गर्मी नहीं हुई ना ही देखी मैंने। जहाँ की जो 30 डिग्री है वो उनके लिए हमारे हिसाब से 60 डिग्री है। मान लो 20 से ऊपर चला जाए तो हम कहते हैं बस भाई, वही तो बता रहा हूँ कि यहाँ का 30 डिग्री हमारे हिसाब से जो 30 डिग्री है ना, उनके लिए 60 डिग्री इनको फील होता है। बिल्कुल ऐसे ठंडा मुल्क है यूरोप है, यूरोप आपको पता ही है कि वैसे ही सारे इलाके ठंडे हैं उसके, तो जब धूप निकलती है तो वो तो वैसे ही उनके लिए खुशी का दिन होता है, स्पेशल डे होता है धूप निकलने वाला दिन। तो रेस्टोरेंट दिखा दें कभी, काफ़ी जो है यहाँ पर जहाँ बैठे हैं यहाँ, ये देखेंगे इनका काउंटर, ये वाला ये यहाँ पे हम आए हैं, बाहर निकलेंगे तो उसकी जो आपको मेन है इसकी वो भी शेयर करेंगे कि इस जगह पे डी ग्राउंड में बैठे हैं फैसलाबाद डी ग्राउंड में। अच्छा ये डी ग्राउंड है फैसलाबाद, ये मेन है जी फैसलाबाद से जी जी पूरा, जैसे आप घूम रहे हो डी ग्राउंड करते हैं सही। ये तो आपने चेंज किया था कैमरा जी, मेरा कर दिया था कैमरा कैमरा नहीं इधर नहीं किया आपने, इस तरह क्यों किया? ये इधर ही हुआ, हाँ ये तो आपको चालू करा जी, ये
सामने बैठे हुए हैं लोग, यहाँ पे हम पिएंगे चाय या कॉफ़ी, दो महीने होगी लगे यहाँ से सामने। तो बाहर निकलेंगे तो कुछ तस्वीरें वगैरह भी शेयर करेंगे आपसे, तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। चलिए जी, मिलते हैं अभी जी, फिर साथ रहिएगा।